फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और मीशो से शॉपिंग का हॉल वीडियो। अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में मीशो से शॉपिंग का हॉल वीडियो। तो आज के हॉल में दिखाए जाने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इन सभी के कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विद प्राइस। साथ ही साथ इनका स्क्रीनशॉट मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, प्राइस भी अलग से मेंशन कर दूंगी। दोस्तों, जिन लोगों को मीशो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, मीशो जो है एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ से आप घर बैठ के आराम से घर में बैठ के ही आप जो है अर्निंग कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो। और खुद अगर आपको खुद के लिए पसंद आता है कुछ प्रोडक्ट तो आप खुद के लिए भी परचेजिंग कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मीशो में साइन अप नहीं किया तो मेक श्योर करना कि आप मेरे दिए गए साइन अप लिंक से ही साइन अप करो। उससे क्या होगा, आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे जो है 30% से लेकर 100 रुपीज तक का बेनिफिट मिल जाता है। आपको जो है साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हॉल वीडियो। तो दोस्तों, आज के हॉल में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ प्यारे प्यारे कुर्ता या फिर कुर्ता सेट जो कि आप राखी वगैरह के लिए परचेस कर सकते हो, क्योंकि अब रक्षाबंधन में लगभग 2 महीने जैसे ही है, क्योंकि जुलाई शुरू हो गया, अगस्त में राखी है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का मैंने फर्स्ट जो कुर्ता लिया है, ये ग्रीन कलर का एक चिकनकारी कुर्ता है। इसमें आपको और भी काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैंने ये ग्रीन कलर में परचेस करा है और आप इसको तीज के लिए भी परचेस कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे ये कॉटन का चिकनकारी कुर्ता आएगा जिसमें ये चिकनकारी काम किया हुआ है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत कॉटन कुर्ता है। यहाँ पे ये 3/4 स्लीव्स आएगी, बहुत ही प्यारा यहाँ पे काम किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना वर्क, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा है, इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कलर परचेस कर सकते हो। अगर आपको दूसरा कोई कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, बट मुझे ये वाला ग्रीन कलर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इतना प्यारा ये ग्रीन कलर है और इस टाइप के ग्रीन कलर ज़्यादा मिलते नहीं है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप देख सकते हो उसमें जो ये जो चिकनकारी वर्क करा हुआ है ना, ये कितना ज़्यादा खिल के निखर के आ रहा है। और यहाँ पे बैक साइड में भी आपको जो है ये वाला पैटर्न मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा काम किया हुआ मिल जाता है। इसमें जो साइज मैंने लिया है दोस्तों, एल साइज लिया है, एंड एल साइज में बहुत ही अमेजिंग आपको फिटिंग मिल जाती है। फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, मटेरियल कॉटन का है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी A1 है। तो बिना सोचे समझे आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो, कोई भी डिफेक्ट नहीं है इसके अंदर में। तो नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने ली है, ये एक ऑरेंज कलर की कुर्ती है, ये भी अगेन बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है बांधनी की। ये जो है रियोन के फैब्रिक में आएगी दोस्तों, और इसमें जो साइज मैंने लिया है वो मैंने लिया है एल साइज। ये मुझे हल्की सी टाइट लग रही है, तो अगर आप इसको परचेस करो तो मैं रिकमेंड करूंगी आप एक साइज बड़ा परचेस कर लेना, तो आपको अच्छी फिटिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये रेयॉन की है तो धोने के बाद में हो सकता है सिकुड़ जाए, तो इसीलिए आप इसमें एक साइज बड़ा परचेस कर लेना। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा बांधनी का आपको देख सकते हो प्रिंट मिलेगा, गोटा का यहाँ पे काम किया हुआ है, 3/4 स्लीव्स है इसके, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। पूरे में ओवरऑल आपको जो है यहाँ पे बांधनी का प्रिंट मिल जाएगा फ्रंट साइड पे, बैक साइड में बहुत ही अच्छी लगती है वाली कुर्ती। पैटर्न बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कहूँगी इसमें जो है वहाँ पे दूसरे कलर्स नहीं है, यहाँ पे शायद ओनली ये ऑरेंज कलर ही था, बट ये ऑरेंज कलर में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ब्लैक कलर की लेगीज या प्लाजो के साथ में बहुत खूबसूरत जाएगा ये वाला कुर्ता। तो ओवरऑल मैं कहूँगी मुझे काफ़ी पसंद आया, अगर आप लेना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर दिस कुर्ता। नेक्स्ट जो मैंने लिया है दोस्तों, ये एक ऑलिव ग्रीन कलर का कुर्ता है, सॉलिड प्लेन कुर्ता आएगा ये। तो यहाँ पे ये कॉटन का कुर्ता आएगा, तो इसमें जो है आपको ये अनारकली पैटर्न में मिलेगा, हाई एंड लो पैटर्न है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक पे हल्का सा गोटा का काम है, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स है और स्लीव्स में भी हल्का सा गोटा का काम आपको मिलेगा। और ये जो कुर्ती का पैटर्न है हाई एंड लो है, अनारकली पैटर्न में कुर्ती आएगी। और आप देख सकते हो इसमें पूरे में ये जो है यहाँ पे डबल कपड़ा लगाया गया है, डबल कहते हैं ना अनारकली में डबल फ्लेयर दिया गया है इसमें, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पे डबल कुर्ता रहेगा, डबल मतलब कपड़ा रहेगा, जो कि एक के ऊपर एक वाला जो फ्रिल काइंड ऑफ पैटर्न होता है वो वाला पैटर्न दिया गया है। इसमें जो है गोटा का काम किया हुआ है पूरे में, दोनों साइड में आपको जो ऊपर जो कपड़ा मिल रहा है उसमें भी, एंड जो नीचे में जो मटेरियल है उसमें भी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसका जो घेर है ना अनारकली पैटर्न का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाई एंड लो कुर्ता है, मिडिल से जो कुर्ता है हाई रहेगा और मतलब जो साइड का एरिया होगा वो लो चला जाएगा, नीचे चला जाएगा,
तो बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर राखी वगैरह के लिए, तीज के फेस्टिवल के लिए अगर आपको कोई अच्छा सा कॉटन का कुर्ता परचेज करना हो इस टाइप के पैटर्न में, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, बहुत ही खूबसूरत लगता है। फैब्रिक इसका बहुत कमाल का कॉटन का है, तो आप डेफिनेटली इसको आराम से पहन सकते हो। साइज इसमें मैंने 40 ली है, एंड 40 मतलब एल साइज मैंने परचेज करी है, तो एल साइज में काफ़ी अच्छी फिटिंग है ये इस कुर्ते की। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कुर्ता सेट। तो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ये बहुत ही प्यारा सा व्हाइट कलर का कुर्ता सेट है। इसमें आपको वहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, बट मुझे व्हाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये वाला पिक किया। तो इसमें आपको यहाँ पे ये वाली कॉटन की कुर्ती मिलती है, आप देख सकते हो इसमें बहुत ही प्यारा प्रिंट करा हुआ है, गोल्डन ये वाले लाइंस बनाई हुई है पूरी कुर्ती में, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स आएगा। और ये कॉटन के फैब्रिक की कुर्ती है दोस्तों, बहुत ही प्यारी और डिसेंट कुर्ती है। इसमें मैं आपको कहूँगी आप एक साइज़ बड़ा परचेज करना ताकि आपको अच्छी फिटिंग मिल जाए, क्योंकि ये हल्की सी मुझे टाइट लग रही है। तो आप जो है एक साइज़ बड़ा परचेज करोगे तो आपको जो है फिटिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत ही प्यारी कुर्ती है, आप इसको राखी वगैरह के लिए किसी भी फेस्टिवल के लिए परचेज कर सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेगी। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में सेम पैटर्न है, एंड इसका जो नीचे का एरिया है उसमें आप देख सकते हो ये जो है गोल्डन बॉर्डर लगाया गया है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पे हल्का सा ये गोटा का काम किया हुआ है, तो ओवरऑल बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है। और इसके साथ में जो इसका ट्राउजर आता है उसमें मैं आपको पहले नीचे का ही दिखा दूँ, तो ये जो गोल्डन का ये जो बॉर्डर ये जो लेस लगाई हुई है बहुत खूबसूरत लगती है। रेयन का ये ट्राउजर आएगा इसका, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ट्राउजर है, व्हाइट कलर का रेयन के फैब्रिक का, लूज फिट रहेगा ये, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा आपको, तो आप इसको आराम से पहन सकते हो। और आपका ये नीचे में जो ये जो लेस लगी हुई है ना बहुत ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाती है। जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा है, बस आप एक साइज बड़ा परचेस कर लेना तो आपको फिटिंग में परचेस करा है। ये मैंने लिया है इंडो हेरा ब्रांड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेबी पिंक कलर का कुर्ता सेट, और ये फुल कुर्ता सेट है। अगर आप उन लोगों में से है जिनको दुपट्टा भी साथ में चाहिए होता है तो डेफिनेटली ये वाला ड्रेस आपके लिए है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कुर्ते की, तो यहाँ पे ये बेबी पिंक कलर का ये वाला कुर्ता आएगा जो कि प्रिंटेड कुर्ता रहेगा, रेयन के फैब्रिक का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कुर्ता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये जो है लेस का काम किया हुआ है, हल्का सा सिल्वर गोटा का काम किया गया है, और सेम आपको जो काम है वही आपको नेक पे मिल रहा है। बहुत ही प्यारा ये वाला कुर्ता है, पिंक कलर पे जो व्हाइट प्रिंट करा हुआ है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें जो है हल्का हल्का जो है शाइनी काइंड ऑफ पैटर्न दिया गया है, शाइनी काइंड ऑफ मटेरियल दिया गया है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लगता है। 3/4 यहाँ पे स्लीव्स आएगी, स्लीव्स में भी सेम जो नेक पे बॉर्डर है ना वही बॉर्डर आपको नेक पे मिल रहा है, वही स्लीव्स पे भी मिल रहा है आपको। तो ओवरऑल कहूँगी काफ़ी अच्छा कुर्ता है, फ्रंट एंड बैक साइड से सेम प्रिंट रहेगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें जो साइज़ मैंने लिया है वो मैंने लिया है एल साइज, तो ओवरऑल कहूँगी काफ़ी अच्छा कुर्ता। तो इसके साथ में आता है इसका ये पिंक कलर का रेयन का प्लाजो, और ये सेम पिंक कलर का रहेगा, बैक साइड पे यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है, और यहाँ पे ये प्लाजो का फ्लेयर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लाजो है रेयन के फैब्रिक का। और प्लाजो में जो नीचे का जो बॉर्डर है आप देख सकते हो सेम जो नेक पे बॉर्डर बनाया गया है ना कुर्ते पे वही वाला आपको प्लाजो पे भी मिल जाएगा, और ये दोनों साइड में आपको मिलता है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ओवरऑल कहूँगी प्लाजो है। इसके साथ में जो दुपट्टा आता है वो इसका व्हाइट कलर का दुपट्टा रहेगा, और ये 2 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा लंबा दुपट्टा आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइप्स बनी हुई है व्हाइट कलर के दुपट्टे में, पिंक कलर की एंड सिल्वर कलर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। कॉटन का ये दुपट्टा आएगा, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। तो ओवरऑल कहूँगी बहुत ही अच्छा ड्रेस है, अगर आपको कोई फुल कुर्ता सेट चाहिए ना राखी वगैरह के लिए या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एक सिल्क का कुर्ता सेट आएगा, ऑरेंज कलर का सिल्क का कुर्ता है, जिसके साथ में आएगा इसका सिल्क का वाला दुपट्टा, तो इसके साथ में कोई भी लोअर नहीं मिला है मुझे, तो ये जो है दुपट्टा एंड कुर्ता का सेट है, तो ये जो है फेस्टिवल कुर्ता रहेगा। अगर आप रक्षाबंधन के लिए कोई अच्छा सा कुर्ता सेट लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसमें जो है दूसरे कलर्स मुझे याद नहीं है कि इसके अंदर में है या नहीं है, बट मुझे जहाँ तक पता है इसके अंदर में कोई दूसरा कलर नहीं है, इसके अंदर में ऑरेंज कलर ही है, और ये वाला कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। सिल्क का कुर्ता आएगा, यहाँ पे नेक पे बटन्स की डिटेलिंग है, एंड पूरे कुर्ते पे आपको जो प्रिंट मिल रहा है बांधनी के काइंड ऑफ प्रिंट है, ये बिल्कुल बांधनी के प्रिंट का जैसा प्रिंट लग रहा है, बहुत ही प्यारा ये क्वालिटी का कुर्ता है। इसमें जो साइज मैंने लिया है आई गेस इसमें मैंने एक्सेल साइज लिया है, यस मैंने एक्सेल साइज लिया है। यहाँ पे आपको एल्बो स्लीव्स मिलेगी, बैक साइड से जो कुर्ता है सिल्क का, इसमें जो है कुर्ता में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल में ही प्रिंट बना हुआ है, तो ओवरऑल कहूँगी काफ़ी अच्छा कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ता आएगा। अगर राखी वगैरह के लिए किसी भी फेस्टिवल के लिए आपको कोई अच्छा सा सिल्क का कुर्ता सेट चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, आपको काफ़ी पसंद आएगा ये।
और इसके साथ में आता है इसका ये येलो कलर का या फिर आप कह सकते हो मस्टर्ड कलर का दुपट्टा। और ये जो दुपट्टा है इसका लंबाई तो अच्छा खासा दिया गया, बट जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है दुपट्टा, बट ओवरऑल कहूँगी काफ़ी अच्छा ड्रेस है। अगर आप लेना चाहते हो, आपको पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट जो आज के हॉल का कुर्ता सेट है वो है ये वाला कुर्ता सेट, और ये जो है एक ब्लैक कलर का कुर्ता सेट है, ब्लैक नहीं है एक्चुअली, मैंने जो ऑर्डर दिया था वो ब्लैक दिया था, बट सेम उसी पैटर्न में मुझे जो है ग्रीन कलर का भेजा गया है। तो यहाँ पे ये जो है कुर्ता आएगा कुछ इस टाइप का, इसका अनारकली पैटर्न में, और ये जो है कॉटन का कुर्ता रहेगा, और ये भी फुल कुर्ता सेट है, यानी कि दुपट्टा आएगा इसके साथ में। तो ये सिंपल सा कॉटन का कुर्ता आएगा, प्रिंटेड कुर्ता है, हल्की से नेक पे बटन्स की डिटेलिंग है, हल्का सा साइड में गोटा का काम है, पूरा जो कुर्ता रहेगा प्रिंटेड रहेगा। साइज जो मैंने इसमें लिया है एक्सेल साइज लिया है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएंगे, और बैक साइड में भी आपको जो है प्रिंट मिल जाएगा कुर्ता पे, आप देख सकते हो। तो फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिल रहा है, बहुत ही प्यारा एंड अच्छा मटेरियल है इसका, कॉटन का डेली यूज़ के लिए मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। और इसके साथ में आता है इसका ये वाला, आई थिंक ये ट्राउज़र है, तो यहाँ पे ये जो है कॉटन का ट्राउज़र आएगा, लूज फिट ट्राउज़र है दोस्तों ये, यहाँ पे बैक साइड में दिया गया है इलास्टिक इसका, और जो इसका फ्लेयर है ना काफ़ी अच्छा खासा दिया गया, तो आप इसको आराम से वेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कॉटन फैब्रिक की। और इसके साथ में आता है इसका ये वाला प्रिंटेड दुपट्टा, तो ये जो दुपट्टा है कुछ इस टाइप का प्रिंटेड रहेगा, क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है, और आई थिंक ये जो है अच्छा खासा लंबा दुपट्टा है, यानी कि 2 मीटर का दुपट्टा आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा प्रिंटेड दुपट्टा है, तो डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा ये कॉटन का कुर्ता सेट है, जिसमें आपको दुपट्टा भी मिल जाता है। अगर आप दुपट्टे वाले सेट पहनना ज़्यादा पसंद करते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस कुर्ता सेट। हॉल वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।